नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये COVID-19 का क्राइसिस है और इसके चक्कर में जितने भी होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं वो आज के डेट में रन नहीं कर रहे हैं, वो बंद पड़े हुए। और इससे क्या हुआ कि इस साल जितने भी लोग NCHMCET का एग्जाम देने वाले थे उनके लिए अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया है। और जो भी लोग ट्रेनिंग पर थे उनकी ट्रेनिंग बीच से खत्म हो गई है, कितने लोगों का एग्जाम्स नहीं हुआ कॉलेज में, कितने लोगों के बैक लगे हुए थे, तो बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के मन में जो कि ज़रूरी है, होना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं नेशनल काउंसिल की तरफ से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना करके अपडेट कर दूँ कि आखिर क्या चल रहा है। तो पहला अपडेट ये है कि जो नेशनल काउंसिल का जो एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला था, जिसकी बाद में डेट बढ़ा करके 22 जून कर दी गई, आज के डेट में अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। टेंटेटिव का मतलब होता है फिक्स नहीं है, कि ये जो आपका NCHMCET 2020 का एग्जाम है ये जुलाई के एंड वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। दैट इज अ टेंटेटिव डेट, नॉट फिक्स। क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बॉस कोरोना वायरस के चक्कर में टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है तो हमें होटल मैनेजमेंट इस साल नहीं करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जो कि इस साल नेशनल काउंसिल का पेपर लिखेंगे, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बच्चे जो हैं इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और इस बार अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है, यू कैन स्टिल प्रिपेयर, क्योंकि एग्जाम्स तो होंगे ही 100%, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बार अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रैंक आ जाएगा और आपका जो करियर है बड़ा फ्लरिशिंग हो जाएगा। क्योंकि आप ये बात मान के चलिए कि होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस को स्टूडेंट्स की उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, अगर लड़के कम अपीयर होंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, आप लोग अपना इतना दिमाग लगाओ कि आपने अगर 2020 में एडमिशन लिया तो आप 2023 में पास होने वाले हैं। 2023 तक कोरोना वायरस को दुनिया भूल चुकी होगी, कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका होगा और टूरिज्म इंडस्ट्री अपने फुल फ्लो पे होगा। आने वाले 3-4-5 महीने में ही इंडस्ट्री सही हो जाएगी, तो आप 3 साल के बाद पास होने वाले हैं। आप इसका दिमाग लगाइए और आप डिमोटिवेट मत होइए और आप एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। दूसरा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जितने भी शॉर्ट कोर्सेज के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके लिए उनके मिड टर्म का कुछ परसेंटेज और उनके पिछले सेमेस्टर का कुछ परसेंटेज मिला करके, मतलब 30-70 का रेशियो है, इसको मिला करके एक एग्रीगेट निकाल करके नेशनल काउंसिल को भेज दिया जाएगा, सो दैट कि उनका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो। और तीसरा अपडेट ये है कि जहाँ तक बीएससी के उन स्टूडेंट्स की बात है जिनका एग्जाम्स पेंडिंग था कॉलेजेस के अंदर में, उसके लिए जो नेशनल काउंसिल है उसने इग्नू को एक प्रपोजल भेजा है, क्योंकि जो नेशनल काउंसिल की जो डिग्री मिलती है होटल मैनेजमेंट की IHM की, वो इग्नू से कोलैबोरेटेड रहती है। तो वो दोनों मिल करके डिसाइड करेंगे म्यूचुअली कि हम भी कुछ 30-70 का रेशियो या जो भी उनके बीच में डिसाइड होता है, वैसे डिसाइड करने के बाद वी कैन रिलीज द मार्क्स ऑफ द करेंट बीएससी स्टूडेंट्स। चौथा अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स का बैकलॉग लगा था, जिनको रीअपियर होना था, जिनका सप्लीमेंट्री हो गया था, मतलब बेसिक सिंपल से भाषा में जो फेल हो गए थे, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है अभी इस साल कि वो 10 जुलाई तक अपना रीअपियर फॉर्म फीस के साथ इग्नू को भेज दें। आप अपने कॉलेजेस से संपर्क करें या ऑनलाइन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करें एंड यू कैन रीअपियर इन द एग्जामिनेशन और आप उसको दे सकते हैं। पांचवा अपडेट मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी बताऊंगा कि फॉर इवन सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 4 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैच 100% अटेंडेंस वुड बी रिकॉर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड स्टार्टिंग 1st March 2020। There are different dates in March 2020 on where the trainees were asked to discontinue till 24th April 2020. अब देखिए, जब भी आपके होटल वालों ने बोला हो कि हम आज से आपकी ट्रेनिंग जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड, आपको 100% अटेंडेंस मिलेगा और आपका जो वाइवा वगैरह लेने के बाद जो 200 नंबर का आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मार्क्स होता है वो भी कॉलेज वाले जो हैं वो अपना मार्किंग सिस्टम निकाल करके दे देंगे। जो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स होते हैं, सेमेस्टर 6 मतलब फाइनल ईयर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो होते हैं, हमारे क्या होता है कि थर्ड ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इस साल आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, आपको किसी भी टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट चूज करना होता है जिसको कि आप भेजते हैं, तो हो सकता है कि इस साल यू विल बी आस्क्ड टू गिव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट। और हमारे टाइम में तो प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल सा जुगाड़ होता था, हम दिल्ली में शिवा फोटोस्टेट से फोटोस्टेट करवा करके उसको कॉलेज में बाइंडिंग करा करके बस नाम वगैरह चेंज करके दे देते थे। आज के डेट में शिवा की जगह पे कौन नया शिवा पैदा हुआ है मुझे पता नहीं है, बट आप अपना प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उसको ऑनलाइन ही जो है अपने कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर में या जहाँ पर भी आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाले या कोऑर्डिनेटर है बताएंगे आपको भेजना होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थे मेरे जुगाड़ से। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मुझे कुछ ऐसे अपडेट्स और आएंगे भी तो मैं आपको बताते रहूँगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे क्या होगा नहीं होगा, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए।
होटल इंडस्ट्री का भी सोए कि नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।